हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो पार्ट वन में मैंने आपको बेसिक बातें बताई टाइम एंड वर्क की, कि उसमें कौन से फॉर्मूला लगता है, कौन कौन से तरीके हैं टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को करने का टाइप, ठीक है। पार्ट वन में मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया, पार्ट टू में आगे क्वेश्चंस को लिया। यह पार्ट थ्री है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे आगे के क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होगा यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 11, ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही कार्य 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए बी एवं सी मिलकर उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए और सी मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। एक अलग टाइप का क्वेश्चन है लेकिन तरीका वही रहेगा। दो तरीका हम टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए बताए हैं, एगो परसेंटेज मेथड, एगो एलसीएम मेथड। हम अधिकांश जगह एलसीएम मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। बोला कि ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकता है, यानी कि ए और बी जब दोनों मिल करके काम करेगा तो 8 दिन में कर देगा, ठीक है, टाइम दिया है दिन में। और बी और सी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है, तो बी और सी वही काम कर सकता है 12 दिन में। और बोल रहा है ए बी एवं सी उसी काम को कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है। अब पूछा क्या है, लास्ट में पूछा है कि ए और सी उस काम को कितना दिन में करेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है कि ए और बी 8 दिन में करता है, बी और सी 12 दिन में करता है, तीनों मिलकर के 6 दिन में करता है, तो ए और सी कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो ए और सी कितना समय लेगा यही हमको निकालना है। तो ए और सी का हमको क्षमता ज्ञात होना चाहिए तब ही निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ से करते हैं। एलसीएम मेथड में हम बताए हैं कि जितना भी समय दिया रहता है सबका एलसीएम लीजिए, वो निकल जाएगा टोटल काम, ठीक है। तो 8, 12 और 6 का जब आप एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो गया, 24। ये 24 हो गया टोटल वर्क। जब इसमें हम भाग देंगे तो निकलेगा समय से, जब काम में भाग देते हैं तो निकलता है क्षमता। 8 से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा 3, जो कि ए और बी दोनों का क्षमता होगा, ठीक। 12 से भाग देंगे 24 में 2, बी और सी दोनों का क्षमता, 6 से भाग देंगे 24 में 4, ये तीनों का क्षमता है। हमको ए और सी का निकालना है। देखिए यदि हम बी और सी से घटा दें तो हमको बी का क्षमता सी का क्षमता निकल जाएगा, नहीं, हमको ए और सी का निकालना है ना। तो पहले हम ए और बी यदि हम इससे निकाल लें तो सी का क्षमता निकल जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलाकर के क्षमता कितना है, 3 है, ठीक, 3 है। और तीनों जिसमें कि ए बी सी तीनों का क्षमता है 4, जिसमें कि ए और बी का ही 3 है, तो सी का कितना निकल जाएगा, सी का क्षमता 1 निकल जाएगा। चलिए इसे निकाल लिए। उसी प्रकार से हमको अब ए का निकालना है। तो देखिए बी और सी से निकाल लेंगे तो ए का निकल जाएगा। तो बी और सी मिला करके 2 है और तीनों मिला करके 4 है, तो ए का कितना निकल जाएगा, ए का निकल जाएगा 2, ठीक है ना। कि बी और सी का 2 है तो ए का 2 होगा, तब ना तीनों मिला करके 4 होगा। इस प्रकार से ए और सी का निकल गया। बोला कि कितना समय लेगा, तो ए और सी मिलकर के कितना समय लेगा, तो टोटल काम है कितना, 24, और दोनों का क्षमता कितना निकल गया है, तो 2 × 1 = 3, क्षमता से भाग दीजिए होगा 8। 8 क्या है, समय कौन सी में है, दिन में, तो दिन हो जाएगा, 8 दिन में काम हो जाएगा पूरा। समझ गए कि ए और बी 8 दिन में करता था, क्षमता निकल गया 3, बी और सी का क्षमता 2 निकल गया, तीनों का क्षमता 4 निकल गया। ए और सी का हम क्षमता निकाल लिए, कैसे निकालें, ए बी को घटा दिए इसमें तो सी का क्षमता पहले निकल गया, अब फिर बी सी को इसमें घटा दिए तो ए का क्षमता निकल गया, दोनों का क्षमता निकल गया 3, दोनों का क्षमता टोटल हो गया 3, 3 से भाग दिए 24 में, तो दोनों मिलकर के जब 24 काम करेगा तो 8 दिन में ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं,
यदि ए और बी इस कार्य को मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेला उसे 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला उस काम को कितने समय में कर पाएगा। ठीक है, एक बार वीडियो को पोज करके क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, यदि आपको सही से सुनाई नहीं दिया तो। चलिए यहाँ देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। बोला किसी कार्य को उतने समय में ए कर सकता है जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि ए जितना समय लेता है उतना समय में बी और सी काम कर देता है। ठीक है ना, यही कह रहा है, जितने समय में बी और सी मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं ए उतने समय में कर सकता है। ठीक, यानी कि दोनों बराबर समय लेता है कोई भी काम करने के लिए, दोनों क्या करता है बराबर समय लेता है। तो बराबर समय क्यों लेता है हम क्या कर सकते हैं, अगर दोनों बराबर समय ले रहा है तो क्या इसका मतलब है कि दोनों का जो क्षमता है, दोनों का क्षमता क्या है बराबर है। ठीक ना, यानी कि ए का क्षमता और ये बी प्लस सी का जो क्षमता है दोनों का क्षमता क्या है बराबर है। इसका अकेले ए का क्षमता और ये दोनों का मिला करके क्षमता ए के बराबर है, समझ में आया। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं क्या बोला है। बोला है कि ए और बी इस काम को, ए और बी इस काम को 10 दिन में कर सकता है। ठीक है, टाइम दे दिया 10 दिन, और सी अकेला इस काम को 50 दिन में कर सकता है। तो इसको एलसीएम मेथड से हम करेंगे तो एलसीएम लेंगे इसका कितना हो गया 50, ये 50 हुआ टोटल वर्क, समय से टोटल वर्क में भाग देते हैं तो क्षमता निकलता है आपको पता है। 10 से 50 में भाग देंगे तो 5, 50 से 50 में भाग देंगे तो 1। ए और बी का क्षमता है 5, सी और सी का क्षमता है 1। ठीक है, इतना वो आपको पता चल गया। क्वेश्चन में बोला है बी अकेला उस कार्य को कितने समय में कर पाएगा, तो बी कितना समय में कर पाएगा, अगर हम बी का समय जानना चाहते हैं तो हमको बी से कितना काम करवाना है और बी का क्षमता क्या है, ये दोनों चीज़ हमको पता चल जाए तो हम बी कितना समय लेगा वो आसानी से बता सकते हैं। यहाँ बी को 50 काम करना है, अब बी का क्षमता कितना है ये हमको पता नहीं है तो निकाल देंगे यहाँ से। देखिए तीनों का क्षमता मिला करके कितना क्षमता है, ए बी का तो 5 है और सी का, अगर तीनों का क्षमता मिला दें ए बी और सी का तो टोटल क्षमता देखिए कितना है 6 है। ठीक है ना, टोटल क्षमता क्या है 6। अगर और बोला यहाँ देखिए अब बी का कैसे निकलेगा, यहाँ एगो बात कह दिया है कि ए का क्षमता बी और सी के क्षमता के योग के बराबर है, क्योंकि बोला है क्वेश्चन कि दोनों जो है ना ए जितना समय लेता है उतने समय में बी और सी मिलकर के काम करता है, यानी दोनों का क्षमता ई दोनों का क्षमता इसके अकेले के बराबर है। ठीक है, तो ये तीनों मिला करके ए बी सी तीनों मिला करके 6 क्षमता है, और ये दोनों का क्षमता क्या है, ये दोनों का क्षमता बराबर बराबर है। ठीक है ना, यदि इसको 6 को हम 2 भाग में बराबर में करते हैं ये दोनों में, तो ए अकेले 3 यदि हो गया तो बी प्लस ई तीनों दोनों मिला करके कितना होगा 3, क्योंकि दोनों का क्षमता तो बराबर है ना, मतलब ए का क्षमता बी और सी का क्षमता दोनों का मिला करके क्षमता ए के बराबर में है। अगर हमें ए का मान लिया क्षमता 3 तो बी और सी का क्षमता कितना हो जाएगा 3, क्योंकि बराबर है। ठीक है, और 3 6 हो गया क्षमता, हमको बी का क्षमता निकालना है। बताइए बी और सी का क्षमता निकल गया 3, बी और सी का क्षमता निकल गया कितना 3, हमको बी का क्षमता चाहिए। देखिए सी का क्षमता 1 है, अगर सी का क्षमता 1 है तो बी का क्षमता हो जाएगा 2। ठीक है ना, क्योंकि बी और सी मिला करके क्षमता है 3 जिसमें कि सी का क्षमता है 1, तो बी का क्षमता कितना होगा 2 होगा, तब ना 3 पूरे होगा। इस प्रकार से बी का क्षमता निकल गया। अब बोला बी कितना समय लेगा, तो बी से हमको कितना काम करवाना है, बी से हमको 50 काम करवाना है, और एक दिन में कितना काम करता है 2 काम, तो 50 काम करने में लगाएगा 25 दिन। समय कौन सी में दिया है, दिन में दिया है, तो दिन में उत्तर होगा सही। ठीक है ना, तो 25 दिन देखिए ऑप्शन 3 में है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसका हल है, ये समझ में आया ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं, यदि वे सभी मिलकर के 10 दिन काम करें और फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाए तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेगा। ठीक है, एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, चलिए कैसे करते हैं देख लेते हैं।
क्या बोला कि ए और बी कितना समय लेता है, टाइम कितना समय ले रहा है करने में, 30 दिन, ठीक ना, टाइम दिया है सब दिन में, तो कोई बात नहीं। बी और सी उसी काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में। और बोला कि सी और ए कितना दिन में काम करता है, 20 दिन में, ठीक। सी और ए 20 दिन में काम कर सकता है, ठीक है। तो एलसीएम इसका निकालते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, 24 × 5 = 120, ठीक है, 120 ये सब का एलसीएम हो गया समय से। टोटल वर्क में जब भाग देंगे, आपको पता है कि जो एलसीएम निकलता है, ये जो निकला है एलसीएम, ये क्या है, ये टोटल काम है, ठीक है ना। जब हम समय से काम में भाग देते हैं तो क्या निकलता है, क्षमता निकलता है। 30 से भाग देंगे 120 में, 3 4 निकलेगा, ये किसका क्षमता निकल गया, ए और बी मिला करके। 24 से भाग देंगे तो 24 × 5 = 120, 20 से देंगे तो 6 बार में, ठीक है। तो इस प्रकार से ए प्लस बी का क्षमता 4 निकल गया, बी प्लस सी का क्षमता 5, और सी प्लस ए का क्षमता निकल गया 6, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन में, बोलता है यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करें। अच्छा, सभी मिल रहा है, इधर सभी को मिलाइए, इधर जब हम सभी को मिलाएंगे तो 2 बार सब आएगा, है कि नहीं। ए 2 गो है, बी 2 बार है, सी 2 बार है, तो 2 बार जुटेगा, 2 को मैंने लिए पहले, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ते हैं तो कितना होता है, इधर कितना हो रहा है, 6 × 4 = 10 = 5 = 15, ठीक है। एक दिन में कितना काम करेगा तीनों मिल करके, एक दिन में तीनों मिल करके काम करेगा कितना, 15/2, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों का क्षमता निकला 15/2। 15/2 जो क्षमता निकला, इसको हम क्या कह सकते हैं कि एक दिन में 15/2 काम करेगा तीनों मिल करके, अगर करेगा तो। बोला कि 10 दिन काम करता है, 10 दिन काम किया तीनों मिल करके, 10 दिन काम किया, तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा, एक दिन में 15/2 करता है, 10 दिन में कितना काम किया होगा, तो गुना कर दिया, 15 × 5 = 75 काम, ठीक है। 15 × 5 = 75 काम ये जो है ना 10 दिन में कर दिया। और आगे क्या बोल रहा है, बोला कि फिर बी और सी काम छोड़कर चले जाए। अब क्या होता है, पहले तीनों मिलकर के 10 दिन काम करता है, तो तीनों मिलकर के 10 दिन काम करने कर लिया, कितना काम हो गया, 75 काम हो गया। अब क्या होता है कि बी और सी काम छोड़कर के चला जाता है, ठीक है। तो शेष काम को पूरा करने के लिए ए को कितने दिन और लगेगा, ठीक है ना। तो शेष काम को पूरा करने के लिए, तो शेष काम बचा कितना है, तीनों मिलकर के 10 दिन में 75 काम तो करिए दिया है, टोटल काम है 120, 120 में 75 काम हो ही गया है, तो कितना बचा है, 45, ठीक ना, 45 काम बचा है, ठीक है। इसको कौन करेगा, बी और सी तो चला गया है छोड़ करके, कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है ना। तो ए अब ए कितना दिन में काम करेगा, तो हमको ए का क्षमता चाहिए कि नहीं चाहिए, तो ए का क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहीं से देखें, ए बी सी तीनों मिलकर के 15/2 कम करता है, यानी तीनों का क्षमता है 15/2, ठीक ना। यहाँ देखिए निकाले थे ना, ए बी और सी तीनों का क्षमता क्या है, 15/2, ठीक ना। इसमें हमको इससे ए का क्षमता निकालना है, यदि हमें बी और सी का क्षमता हम घटा दें इससे तो निकल जाएगा ए का क्षमता, तो बी और सी का क्षमता कितना है, 5, इसमें 5 घटाइए तो ए का क्षमता निकल जाएगा, इसमें 5 घटा करके 15/2 में 5 घटाएंगे तो 10, 15 × 10 घट जाएगा तो 5 होगा, 5/2, ठीक है ना। ये क्षमता हो गया ए का। अब बोला ए कितना समय लेगा, ए को ए से हमको कितना काम करवाना है, अब समय पूछ लिया, ठीक है ना। तो समय बराबर क्या होता है, काम बटे क्षमता। तो काम ए से हमको कितना करवाना है, ए से देखिए हमको 45 काम करवाना है, क्योंकि 45 काम बचा है, ठीक ना, 75 काम तो पहले हो गया था, 45 काम बचा है जो कि ए करेगा, और एक दिन में 5/2 काम करता है, यानी कि क्षमता 5/2 है, इसे करना है तो 5 × 45 2 ऊपर में जाकर के गुना हो जाएगा, तो 18 दिन, तो 18 दिन है इस प्रश्न का सही उत्तर, ठीक ना। तो देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन है 18 दिन, वही सही होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या किए, ए और बी मिलकर 30 दिन में काम कर रहा था, बी सी 24 दिन में काम कर रहा था, सी ए कर रहा था 20 दिन में काम, एल सी एम निकालने 120 आया जो कि कुल कार्य है, इसे हमको क्षमता मिल गया। लास्ट में पूछा है कि ए कितना दिन में काम करेगा, तो ए काम को क्षमता भी ज्ञात करना है और 10 दिन काम कर लिया तीनों मिल करके, तो तीनों को मिलाएं तो एक दिन में 15/2 काम करता था,
दस दिन में 75 काम कर लिया, शेष काम कितना हुआ 120 टोटल काम है, उसमें 75 काम हो गया है दस दिन में, 45 काम बचा है, 45 काम को कौन करेगा, एक करेगा क्योंकि बी और सी तो छोड़ करके चला गया है, तो एक कितना दिन लेगा 45 काम करने में, तो हम एक का क्षमता निकालने 5/2, ठीक है, तो एक के क्षमता से 45 में भाग दे दिए तो समय निकल गया क्योंकि काम बटे क्षमता बराबर समय होता है, तो 18 दिन हो गया उसका उत्तर, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, वे दोनों मिलकर एक साथ मिलाकर के एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर सकते हैं। देखिए एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, बोला कि ए जो है ना 18 दिन में काम कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, यानी बी जितना समय लेता है उसका आधा समय लेगा कौन, बी। अगर ए ले रहा 18 दिन तो बी कितना लेगा, ये 9 दिन, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, दिन में दिया है सर, ठीक है, कि बोला कि ए एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए से आधे समय में कर सकता है, मतलब अगर ए 18 दिन ले रहा है तो इसे आधे समय में बी कर देगा, तो आधा मतलब 18 का आधा 9 दिन में ही कर देगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो गया 18, इसका क्षमता कितना निकल गया एक, इसका क्षमता निकल गया दो, क्या बोल रहा है कि वे दोनों एक साथ मिला करके एक दिन में काम का कितना भाग पूरा कर देगा, ठीक है, दोनों मिला करके काम का कितना भाग ही कर देगा दोनों मिला करके, तो 18 में हम 3 से भाग देंगे तो निकलेगा 6, ये 6 दिन में दोनों कर देगा, भाग पूछा है, अगर हमको भाग बनाना है तो उल्टा इसको दिन को उल्टाइए तो भाग बन जाएगा, मतलब कि अगर ए और बी उस काम को 6 दिन में कर रहा है तो ए और बी उस एक दिन में 1/6 भाग काम कर देगा, तो 1/6 भाग, एक नंबर में जो ऑप्शन है वही होगा उत्तर, ठीक है ना, दिन को पलटाते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा वही निकलता है, शुरुआती क्लास में हम आपको बता दिए हैं, ठीक है, नहीं देखें तो देख लीजिए, तो इतनी सी बात करना था इसमें, यही है उसका सोल्यूशन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 15, जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, ठीक है, बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने घंटे में करेंगे, यानी कितने समय में करेंगे, ठीक है, तो प्रश्न जो है बोल रहा है कि जितनी देर में बी जो काम करता है ए उतनी ही देर में उसका आधा काम करता है, तो ए और बी है, बोला कि बी जितनी देर में काम करता है उसका आधा काम करता है, अगर बी एक काम करता है तो उतने समय में ही आधा काम करता है, ठीक है ना, ये क्षमता हो गया, मतलब कि बी जितना देर में एक काम करेगा उतने ही देर में इसका आधा काम करता है ए, ठीक है, तो मतलब कि हम कह सकते हैं कि ए का क्षमता भी आधा है, तब ना आधे काम कर रहा है, उतने समय ले रहा है लेकिन काम कर रहा है आधा, यानी ए का क्षमता आधा है बी से, हम डायरेक्ट कह सकते थे लेकिन आपको समझाने के लिए इतना को लिखे हैं, इसको चलिए इधर लिखते हैं, ठीक ना, ए और बी है, बोला जितना समय में बी काम करता है उतने ही समय में इसका आधा काम करता है, ठीक ना, तो चलिए मतलब ये क्षमता निकल गया, ये इसका मतलब इससे क्षमता इसका आधा है, तब ना उतने समय में ये क्या कर रहा है, आधा काम कर रहा है, आ इसको थोड़ा सीधा कीजिए इसका अनुपात में, अगर सीधा कीजिएगा तो क्या होगा, 2 गुना हो जाएगा तो 1:2 हो गया, ठीक ना, यानी कि दोनों के क्षमता का अनुपात क्या हो गया, 1:2, यानी कि इसका क्षमता इसे आधा है, तब ना आधा काम कर रहा है, यही तो प्रश्न बोला है। अब लास्ट में क्या पूछा है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने देर में करेंगे, तो ए और बी काम को करने में कितना समय लगाएगा यही पूछ रहा है, तो हमको काम ही नहीं पता कि काम कितना करना है, तो पहले हमको काम पता करना होगा कितना है, ठीक ना, तो बोला कि बी अकेला उस काम को 12 घंटे में करता है, देखिए बी का जो क्षमता है 2 है, बी का क्षमता क्या है 2, क्षमता मतलब आपको पता है पहले क्लास में बता दिए हैं कि क्षमता मीन्स क्या होता है, कि एक दिन में किया गया काम, एक समय में किया गया काम को क्षमता कहते हैं, यानी कि एक दिन में ये 2 काम कर सकता है, ठीक है ना, और 12 मतलब एक घंटा में समय दिया है, ठीक,
ये एक घंटा में दो काम कर सकता है और 12 घंटा में काम को ख़त्म कर देता है। इसका मतलब क्या, टोटल काम कितना है, टोटल टोटल काम कितना है, ये एक घंटा में दो काम करता है और 12 घंटा में पूरा कर देता है। काम बराबर आपको बतेबे किए हैं कि समय गुना क्षमता, तो 12 गुना क्षमता, ठीक ना। तो इस 12 का 12 घंटा ले रहा है बी, पूरा करने में क्षमता है दो, तो टोटल काम निकल गया 24। अब 24 काम को जो है ना दोनों मिल करके करेगा, तो दोनों मिल करके करेगा तो दोनों मिल करके क्षमता कितना है उसे भाग करेंगे तो समय निकल जाएगा। काम में हम दोनों मिल करके कितना समय लगा इसके दोनों मिला करके क्षमता से भाग करना होगा, तो 2 1 3 है क्षमता मिला करके, 3 से भाग देंगे 24 में हो गया 8। तो 8 घंटा इसका सही उत्तर है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज इतने रहेगा, अगले वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, आप बने रहिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।